इस तरीके से ट्रकों में भरकर लोग आ रहे हैं। पैसा एक आदमी का 3,000 लगता है सर। घर से पैसे मंगाए हम लोग, घर से पैसे मंगाए। 3 महीना काम पेमेंट मिला और दूसरी महीने में पेमेंट मांगा, बोला जॉब छूट गया है, किसी का भी नहीं पेमेंट मिलेगा। सर 50-40 आदमी है तो 1500 हिसाब से आप उतना तो पढ़े लिखे हैं नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये लखनऊ का टोल नाका है और यहाँ पर तमाम उबर गाड़ियाँ भर कर आ रही हैं जो अलग अलग प्रदेशों से, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ऐसे जगहों से कुछ इस तरीके से ट्रकों में भर कर लोग आ रहे हैं। ये एक पड़ाव होता है जहाँ ये लोग रुकते हैं। ये लोग पश्चिम बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के मालदा के हैं और वहाँ से मजदूरी करने पहुँचे थे हरियाणा, और हरियाणा के सिटी सेंटर के पास आप लोग काम कर रहे थे। कितने लोग हैं इसकी गाड़ी? 70 आदमी है सर, 70 आदमी है। 70 आदमी। तो कैसे आए वहाँ से आप लोग, कितना पैसा लग रहा है यहाँ तक? पैसा एक आदमी का 3,000 लगता है सर, एक आदमी का 3,000। फिर रूम किराए अलग लगता है, फिर वहाँ खाने पीने का इंतजार भी नहीं है। फिर घर से पैसा मंगाए हम लोग, घर से पैसे मंगाए हम लोग, घर से पैसे मंगाए। तब रूम किराया देके तब रूम किराए, नहीं तो जाने, तो रूम किराया देके तब जा रहे हैं। रूम किराया वगैरह सब देना पड़ा, रेशन बाकी रूम किराया सब कुछ देके तब हम लोग बाहर निकले, नहीं तो जाने नहीं दे रहा। आज जितना दिन बैठे रहेंगे, काम भी नहीं मिल रहा, काम छूट गया। मैं सिनेमा हॉल में काम कर रहा था तो वो तो काम बंद हो गया, 2 महीना हो गया मेरा। खाने पीने कुछ भी नहीं है, आने के लिए 2-4 महीना हुआ था मेरा। 3 महीना काम पेमेंट मिला और दूसरी महीने में पेमेंट मांगा, बोला जॉब छूट गया है, किसी का भी नहीं पेमेंट मिलेगा। तो ये पूरे परिवार है आप लोगों के? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कोई परेशानी हुई रास्ते में आप लोग? थाने साहब दिल्ली में पुलिस वाले परेशान करते हैं, 3,000 रुपए ले लिए, वहाँ से उसके बाद कोई करते नहीं। अच्छा, इस तरह के डाले हैं, इस तरह की गाड़ियां हैं, छोटे छोटे बच्चे और तमाम लोग ऐसी गाड़ियों से निकले हैं। हालांकि पैदल चलने वालों की तादाद कम हो गई है, लेकिन ऐसे परिवार जरूर हैं जो इस तरह के गाड़ियों में भर कर पहुँच रहे हैं। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि जो ये महापलायन है इसकी तादाद इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि लोग अब दोबारा अपने, अच्छा ये बताइए आप लोग दोबारा लौटेंगे क्या काम पे? हाँ काम पे लौटेंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा तो लौटना तो पड़ेगा ही, फिर लॉकडाउन खुल जाएगा तो लौटना ही पड़ेगा हम लोग को। लौटेंगे आप लोग भी वापस आ जाएंगे? लॉकडाउन खुल जाएगा सर, क्या करें हम लोग, गरीब आदमी है, क्या करें सर, आना तो पड़ेगा ही। घर में तो खेती बाड़ी है नहीं हम लोग का, तो खेती बाड़ी करेंगे घर में। कहाँ के रहने वाले हैं सब लोग? बंगाल के। बंगाल में कहाँ? बंगाल मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर दिनाजपुर। अच्छा, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हमारा गांव पे है सर घर। तो ये लोग उत्तर दिनाजपुर यानी कि बिहार बंगाल की जो सीमा है, किशनगंज से सटा हुआ जो इलाका है, उस इलाके के ये लोग हैं। हम इधर भी आपको दिखा दें, इसमें भी लोग हैं, लेकिन ये लोग दूसरे राज्यों से ये लोग फैजाबाद के लिए निकले हैं। आप लोग कहाँ के लिए? फैजाबाद जा रहे हैं? फैजाबाद। तो कितने में बुक करके लाए इस गाड़ी को? सर 1500 रुपये सवारी। 1500? हाँ। तो एक गाड़ी का कितना लग रहा है आप लोग को बुकिंग? सर 50-40 आदमी है तो 1500 हिसाब से आप उतना तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ये उतना बता। तो आप घरों तक छोड़ेंगे या कहाँ छोड़ेंगे? ये घर तक जाएगी गाड़ी। घर तक जाएगी? हाँ जी। तो ये सबसे बड़ा साधन इस वक्त है और हम आपको दिखाएं कुछ इस तरह के, देखिए इस तरह के जो बड़े डाले वाले ट्रक हैं और इसमें जो मजदूर हैं वो भर कर लगातार चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो महापलायन है, अब आने वाले दिनों में सरकार फैक्ट्रियां कैसे खोलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा तबका इस वक्त अपने घर की ओर निकल चुका है। सरकार भले ही ऐलान करे लेकिन सब कुछ पटरी पर दोबारा आने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।